ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਨੀ ਰਾਮੇਸ ਮਿੱਠਾ ਤਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੀ ਸਿੱਖਾ ਬਦਿੰਗ। आपने गाना सुना होगा शीला की जवानी, और आपने गाना और भी सुना होगा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये दो गाने बड़े ही प्रमुख और फेमस रहे हैं, और शीला की जवानी और अच्छा सिला दिया बच्चे बच्चे को याद है। इसमें दो शब्द आते हैं, एक सिला और एक शीला। दरअसल सिला और शीला दोनों एक ही शब्द हैं जो सील से बने हुए हैं। यानी सील इतना ज्यादा फेमस और प्रमुख है, शील बोलते हैं संस्कृत भाषा में, क्योंकि संस्कृत भाषा में क्षय होता है, और प्राकृतिक नेचर जो पाली भाषा है उसके अंदर क्षय नहीं होता तो सह होता है, संसार वाला से, तो सील बोलते हैं। सील से शिला बना और शील से शीला बनी। तो शीला की जवानी और शीला नाम इतना ज्यादा गाली के रूप में क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सीलों का या शीलों का बड़ा बोलबाला रहा है, और यहां अधिकतर व्यक्ति सीलों का पालन करते थे। जो भिक्कू हैं वो 227 सीलों का पालन करते हैं, और जो भिक्कुनी हैं वो 311 सीलों का पालन करते हैं। पांच सील का पालन तो सभी करते हैं। पंचशील आपने कितनी बार सुना होगा, पंचशील या पंचशील। बहुत सारी कॉलोनी, बहुत सारे नाम हैं, और कहते हैं भारत की जो विदेश नीति है वो पंचशील पर आधारित है। तो सील इतना ज्यादा बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद, लगभग बुद्ध के भी 1500 साल बाद तक लोग सील पर चलते रहे, और सील बहुत ज्यादा प्रमुख थे। सीलों का जो स्थान था आज के समय, अगर हम ये कह दें कि उसको ईश्वर या ईश्वर से बड़ा मानते थे, तो ये बात उस समय और आज भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सीलों का पालन करता है उसको फिर किसी चीज का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही धम्म है, आम आदमी के लिए पांच सील का पालन है। तो सील इतने ज्यादा प्रमुख होने की वजह से जिन लोगों को धम्म से, धम्म के विचार से, सीलों से, समानता से, आचार से, इन सबसे नफरत थी, उन्होंने सीलों को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे गाने गड़े, और उन्होंने शीला की जवानी और शीला नाम को बहुत ज्यादा किया। दरअसल शीला है या शालू है, या जो सील प्रिय बौद्ध है, या सील रत्न है, या अगर हम कहें शीला नंद है, शीलपाल है, शिवपाल है, या पतनशील, करुणाशील, सुशील, अट्टशील, ये जितने भी सील हैं, ये सारे के सारे जो सील हैं ये उसी नाम से आते हैं। जैसे हम कहते हैं शीलानंद हो गया, यानी सील का आनंद हो गया, या हम कहें सील प्रिय बोध हो गया, या सील प्रिय बुद्ध हो गया, या हम कहें सुशील हो गया, यानी अच्छे सील वाला हो गया। एक कुशील भी हो सकता है, मगर कुशील कोई नाम रखता नहीं, तो सुशील हो गया। तो सुशील के नाम से बहुत सारा नाम फेमस है। तो जिसके पीछे सील लग जाए या आगे सील लग जाए, फीमेल के अंदर सालू या शीला नाम बहुत ज्यादा चलता है। तो सील बिल्कुल ऐसे होते थे चट्टान की तरह, इसलिए सील से शिला पड़ा। शिला का मतलब है जैसे बुद्धों का मतलब एक बुद्ध होता है, और बुद्धा का मतलब होता है बहुत सारे बुद्ध, ऐसे ही शीला का मतलब है बहुत सारे सील, और सीलों का मतलब है एक सील। तो शीला यानी कि जो बहुत सारे सीलों को मानता है, जैसे भिक्कू और भिक्कुनी मानते हैं, तो वो अपने नियम से बिल्कुल अटल रहते थे, टलते नहीं थे, पूरी तरह से 100% पावन थे। तो कहते थे भाई ये शिला है, शिला का मतलब सारे सील मानता है, और ये चट्टान की तरह, पर्वत की तरह बिल्कुल अटल है, इसको नहीं हिलाया जा सकता, ये टस्से मस नहीं होगा। इसलिए सील से शिला बना और शिला से पत्थर बना, यानी कहते हैं ये तो शिला है, चट्टान है भाई, पुराना शब्द है उसी से चले हैं। तो सीलों की मान्यता शिला से है। शिलाजीत का मतलब है जिसने सीलों को जीत लिया हो, उसको दवाई का पत्थर का नाम दे दिया। यानी कि अगर आप शिलाजीत हैं तो इसका मतलब आपने सीलों को जीता हुआ है, सारे सील आप जानते हैं, उनको मानते हैं, तो आप शिलाजीत हो गए। तो शिलाजीत बहुत ऊंची पदवी है, मगर उसको एक पत्थर का नाम देके कहा कि ये शिलाजीत है, पत्थरों में मिलता है। दरअसल पत्थरों में बैठ के जो सीलों की तपस्या करते हैं, जो तप करते हैं, जो साधना करते हैं, वो बिल्कुल पत्थर जैसे, चट्टान जैसे मजबूत हो जाते हैं, उसको शिलाजीत बोला गया है। तो आगे कभी अगर आपको ये शब्द कानों में आए, शीला की जवानी या अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या शीला नाम आए, या शालू आए, या शील आए, या शैव आए, या शिव आए, शिव आए, या शील प्रतन आए, या अच्छा प्रतन आए, तो आप समझ जाइए कि ये आपके पांच सील
या आपके 227 सील या आपके 8 सील या आपके 311 सील, ये उन सीलों की बात चल रही है, उन शीलों की बात चल रही है, उस शिला की बात चल रही है, उस शिला की बात चल रही है जो भगवान बुद्ध ने दिए और जिसे करोड़ों लोग अगले 1200-1400 साल तक मानते रहे और फिर दोबारा से उन पे चलने के लिए आरूढ़ हैं और चल रहे हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.